हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो CBT 1 का रिजल्ट कैंसिल हो चुका है, और उसका जो दोबारा आंसर आएगा और उसकी दोबारा आंसर किया आएगा, उससे आपके कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा और कौन कौन से अभ्यर्थी जो हैं वो फाइनल जो सिलेक्शन हो चुका है CBT 1 में, वो कौन से अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर हो जाएंगी, तो इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये आप देख रहे हैं, आपके सामने एक पेपर मैं खोल के रखा हूँ जिसमें लिखा लाखों रेलवे अभ्यर्थी का नए सिरे से जारी होगा परिणाम। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो इसमें पूरा डिटेल है ये कौन बता रहा है, ये जो बात बताई गई ये बताई गई है आलोक कुमार मिश्रा, जो कि अध्यक्ष हैं रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के। आप देख रहे हैं आलोक कुमार मिश्रा जी ने बताया है, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के जो कि अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी होंगे प्रभावित, यानी कि जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं CBT 1 में वो बाहर हो सकते हैं। तो इसकी हम पूरी डिटेल में बात जानेंगे कि कौन 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 से वो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं वो बाहर हो सकते हैं और CBT 1 रिजल्ट से। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक इस चैनल यानी कि एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए, तो आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन से आरआरबी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ CBT 1 का, उस दिन से कोई ना कोई डेली नया अपडेट आता रहता है आरआरबी बोर्ड की तरफ से। तो उसी हर अपडेट को मैं तुरंत अपलोड करता हूं, तो उस अपडेट को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम फॉर्म अकेडमी को, जिससे कि आपका कोई भी अपडेट और कोई भी लेटेस्ट न्यूज जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो आरआरबी CBT 1 का रिजल्ट आया था अब वो कैंसिल हो चुका है, अब उसका जो नया रिजल्ट और नई आंसर की आएगी वो आंसर की आएगी 22 नवंबर को। उसके बाद आपका आएगा CBT 1 का सेकेंड यानी कि दोबारा रिजल्ट। तो उसमें जो बाउंड्री मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, बाउंड्री मार्क्स का मतलब है अगर किसी बोर्ड का जो कट ऑफ गया है किसी पोस्ट का 34 मान लीजिए, और उसमें जो स्टूडेंट मार्क्स पाए हैं 35 या 34 पॉइंट कुछ या 36 पाए हैं और वो पास हो गए हैं, तो उनका क्या असर होगा अब जो नया रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो कट ऑफ हुआ जो नया कट ऑफ बनेगा उसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है, तो उसी की हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिखा है उत्तर कुंजी पर एतराज को लेकर रेलवे भर्ती बोर्ड का फैसला। और ये जो मैं पेपर पढ़ रहा हूँ ये है पत्रिका न्यूज़पेपर जो कि राजस्थान से प्रकाशित होता है और बहुत ही रिप्यूटेटेड पेपर है, तो उसी में ये लिखा है, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पूरी बात बता देता हूँ और कुछ नई भी बात यहाँ जो मेंशन की गई है किसके द्वारा, आलोक मिश्रा जी द्वारा जो कि अध्यक्ष हैं रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की। तो हम पूरा पेपर आपको पढ़ के सुना देते हैं क्या इन्होंने कहा है। कहा है उत्तर कुंजी पर इतराज को लेकर रेलवे भर्ती बोर्ड का फैसला, लाखों रेलवे अभ्यर्थियों का नए सिरे से जारी होगा परिणाम। और लिखा है कि मुख्य परीक्षाओं की तिथियां भी खिसकाई गई, क्योंकि जब CBT 1 का रिजल्ट आया था उसके बाद दूसरे दिन CBT 2 की रिजल्ट एग्जाम डेट डिक्लेयर की गई थी कि 12 नवंबर से 14 नवंबर 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक मुख्य परीक्षा यानी कि CBT 2 की परीक्षाएं होंगी, लेकिन अब रिजल्ट दोबारा आएगा तो इसी वजह से जो दोबारा अब CBT 2 का एग्जाम होगा उसकी परीक्षा तिथि भी आगे बढ़ा दी गई है। तो अब आपका जो CBT 2 का एग्जाम होगा वो होगा 24 दिसंबर से स्टार्ट। तो हम आपको पूरा बता देते हैं क्या इन्होंने कहा। कहा है कि अजमेर सहायक लोको पायलट और तकनीशियन वर्ग के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी किया जाएगा। रेलवे ने पिछले सप्ताह इस परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए मुख्य लिखित परीक्षाओं की तिथियां भी तय कर दी थी, लेकिन परिणाम जारी होते ही अंतिम उत्तर कुंजी के सवालों और जवाबों पर अनेक अभ्यर्थियों ने एतराज और जांच में सही पाए जाने के बाद अब रेलवे ने इस परिणाम को नए सिरे से जारी करने के फैसला किया। मतलब ये है कि जब CBT 1 का रिजल्ट आया था तो उसमें ऐसा हुआ था कि जो उसका आंसर की था उसमें कुछ आंसर कुछ दूसरा था, लेकिन जो सही आंसर था कुछ दूसरा था। इसकी वजह से बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे या अभ्यर्थी थे जिनका फाइनल सिलेक्शन CBT 1 में नहीं हो पाया था, उसीलिए उन सभी स्टूडेंट ने अब मैसेज किया था आरआरबी बोर्ड को। तो आरआरबी बोर्ड ने चेक किया कि ये बात सही है, तो उसमें आरआरबी को बोर्ड को पता चला कि हाँ ऐसा बात सही है कि आंसर की में दूसरा आंसर की है और जो सही आंसर होना चाहिए दूसरा है, तो उसीलिए CBT 1 का जो परिणाम या रिजल्ट हुआ था उसको कैंसिल कर दिया है। अब उसकी नई जो आंसर की है वो आपको 22 नवंबर को जारी की जाएगी और 23 नवंबर तक आप उसको देख सकते हैं, उसके बाद आपकी आएगी रिजल्ट डेट। फिर आगे कहा है कि 27,795 और
लोको पायलट, रेलवे सहायक लोको पायलट के 27,795 और तकनीशियन के 36,576 पदों के लिए लगभग 47 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से ये भी बताया है कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा में लगभग 38 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 47 लाख अप्लाई किए थे, जिसमें से केवल 38 लाख ही CBT 1 की परीक्षा दिए थे। इन परीक्षा का परिणाम 2 नवंबर को जारी कर दिया गया। रेलवे ने परिणाम के साथ ही साथ अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की। फिर आगे लिखा है, इन्होंने आलोक मिश्रा जी जो कि अध्यक्ष हैं रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की, उन्होंने बताया कि सही पाई गई आपत्तियां, यानी कि जो स्टूडेंट ने अपनी क्वेरी आरआरबी बोर्ड को भेजी, वो आरआरबी बोर्ड ने चेक किया तो उसमें सही पाया। तो क्या सही पाया? सही ये पाया कि 2 नवंबर को जारी अंतिम उत्तर कुंजी पर देश भर में अभ्यर्थियों ने रेलवे भर्ती बोर्ड के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। आपत्तियों की तादाद को लेकर मुख्य भर्ती बोर्ड ने भी मामले की गंभीरता से लिया और प्रश्नों व उत्तर कुंजी के दिए जवाबों की जांच करवाई। जांच में अधिकांश शिकायतें सही पाई गईं। इसके बाद मुख्य रेलवे भर्ती बोर्ड ने पूर्व में जानकारी परिणाम संशोधित करने का ऐलान किया, यानी कि CBT 1 का जो रिजल्ट है इसकी वजह से कैंसल कर दिया गया। अब ये इन्होंने बताया कि जो अब दूसरा रिजल्ट यानी कि CBT 1 का जो सेकेंड रिजल्ट आएगा, उससे आपके कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा और आप जो ना ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, मेनली जो बाउंड्री मार्क्स वाले, उन पे क्या असर होगा। तो इन्होंने बताया है आलोक मिश्रा ने कि नए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। आप खुद ही देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। वो कौन से विद्यार्थी प्रभावित होंगे, ये भी इन्होंने बताया है कि नए सिरे से जारी होने वाले परिणाम की वजह से पूर्व में चयनित अनेक अभ्यर्थी का परिणाम प्रभावित हो सकता है। इसका कहने का मतलब है जो ऑलरेडी CBT 1 एग्जाम में सिलेक्टेड हैं, अब जो नया रिजल्ट आएगा यानी कि सेकंड रिजल्ट आएगा, तो उससे बाहर भी हो सकते हैं। लिखा, कट ऑफ मार्क्स में महज 1-2 से अंक से पिछड़ गए अभ्यर्थी की उत्तर कुंजी में संशोधित की वजह से मुख्य लिखित परीक्षा में बैठने का मौका वही मिलेगा। वही जो अभ्यर्थी पूर्व परिणाम में चयनित हो चुके हैं, उनमें से कुछ अधिकांश मुख्य परीक्षा से सूची से बाहर हो सकते हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जब अब रिजल्ट सेकेंड रिजल्ट आएगा, उनमें से जो बाउंड्री मार्क्स पास वाले स्टूडेंट हैं वो अब बाहर हो सकते हैं, और जो 1 या 2 से बिछड़ गए हैं या उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया CBT 1 में, और वो वही स्टूडेंट है जिनमें ये गलतियां पाई गई हैं, तो अब वो मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका पाएंगे, यानी कि ऑलरेडी CBT 1 रिजल्ट में सिलेक्ट हो सकते हैं, और जो बाउंड्री मार्क्स के आसपास हैं वो आउट भी हो सकते हैं इसकी वजह से। क्योंकि जब नया रिजल्ट आएगा, नई आंसर की आएगी, तो नया कट ऑफ बनेगा, उसकी वजह से आपका 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, और बाउंड्री मार्क्स वाले अधिकांश स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो बाहर भी हो सकते हैं। ये कहना है आलोक मिश्रा का, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष हैं। अगला इन्होंने आगे ये भी बताया है कि 12 के बजाय 24 दिसंबर से परीक्षाएं होंगी, क्योंकि जब रिजल्ट आया था तो इन्होंने बताया गया था आरआरबी बोर्ड ने कि जो मेन परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी वो होगी 12 दिसंबर से, लेकिन अब उसकी तिथि 10 दिन आगे बढ़ा दिया है, 12 दिन अब होगी 24 दिसंबर से। ये भी इन्होंने कहा कि नए परिणाम जारी होने से में लगने वाले समय की वजह से अब रेलवे भर्ती बोर्ड ने मुख्य लिखित परीक्षा को 24 दिसंबर तय कर दिया, यानी कि अब जो नया रिजल्ट आ रहा है उसके बीच में बहुत सी गड़बड़ियां होने, 10-15 दिन का टाइम लगेगा नया रिजल्ट जनरेट होने, उसी वजह से जो टाइम है स्टूडेंट को नया दिया, ज्यादा दिया जा रहा है, यानी कि अब जो परीक्षाएं आगे खिसका दी गई हैं। फिर आगे इन्होंने कहा है कि देश भर के रेलवे भर्ती बोर्ड को मिली आपत्तियों की जांच की गई, इनमें से काफी सही पाई गई। अभ्यर्थियों के करियर और भर्ती बोर्ड में पारदर्शिता के मद्देनजर अब पूर्व में जारी परिणाम को संशोधित किया जाएगा। संभव है इसकी वजह से अनेक अभ्यर्थियों का परिणाम बदल जाएगा। आपको ये हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं, आपको यहाँ लिखा है कि संभव है कि इसकी वजह से अनेक अभ्यर्थियों का परिणाम बदल जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा की तिथियां भी आगे खिसक गई, मतलब जो ऑलरेडी CBT 1 में सिलेक्ट हैं बाउंड्री मार्क्स वाले मेनली स्टूडेंट, वो अब बाहर हो सकते हैं CBT 1 सेकेंड रिजल्ट में। तो ये था ओवरऑल न्यूज जो कि आपको बताना चाहिए था, तो मैंने बता दिया है, तो आपको अंदाजा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है और किसके साथ क्या होने वाला है। मेनली वो स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत हो सकता है जो महज 1 या 2 नंबर से कट ऑफ पास कर पार करके पास हुए हैं CBT 1 रिजल्ट में। तो अब जो नया रिजल्ट, नया कट ऑफ बनेगा, तो अगर 1-2 मार्क्स से वो पास हुए हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि वो अब दूसरे रिजल्ट में बाहर भी हो सकते हैं। क्योंकि बाहर इसलिए होंगे
क्योंकि जो एक दो नंबर से बिछड़ गए या CBT 1 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो स्टूडेंट हैं जिनमें गलतियां पाई गई आंसर की में, तो अब तो उनका जो आंसर की नया आएगा तो उसमें सही आंसर होगा, तो मार्क्स उनके ऐड होंगे, जब ऐड होंगे तो नया कट ऑफ भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो जब बढ़ जाएगा तो वो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं बाउंड्री मार्क्स वाले वो स्टूडेंट बाहर भी हो सकते हैं। तो यही है कि जो एक दो नंबर से पास आउट हैं बाउंड्री मार्क्स वो संभवतः बाहर हो सकते हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि इसमें जो नया रिजल्ट आएगा उसमें कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं किया जाएगा, बस शर्त ये है कि एक या दो जो बाउंड्री मार्क्स वाले हैं बिछड़ गए हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा और स्टूडेंट को चयनित किया जाएगा, क्योंकि RRB बोर्ड को चाहिए था 15 गुना स्टूडेंट, लेकिन उनमें से किसी भी बोर्ड में ALP यानी कि जो लोको पायलट का पोस्ट थी उनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी बोर्ड में गया तो गया 12 गुना स्टूडेंट, क्योंकि इनको चाहिए था 15, और किसी भी बोर्ड में इन्होंने 15 गुना नहीं पाया, तो इनको जो रिक्वायर्ड स्टूडेंट थी वो तो अभी कम ही है, तो उनको तो अभी और स्टूडेंट चाहिए। तो यही उम्मीद है मेरी कि कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं हो सकता होगा, और ज़्यादातर उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट अंदर रहेंगे, और ऑलरेडी जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो और स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनको चाहिए 15 गुना और इनको अभी मिले ही 12 गुना, क्योंकि इनको अभी जो रिक्वायर्ड संख्या थी उससे कम ही स्टूडेंट मिल पाए हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो जो ऑलरेडी CBT 1 परीक्षा में चयनित हैं या सिलेक्ट हो चुके हैं तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा उसमें 99% सभी स्टूडेंट सिलेक्ट रहेंगे, चाहे बाउंड्री मार्क्स वाले हों या उसके ज़्यादा मार्क्स वाले हों। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं कर देंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि जो इसका आंसर किया आएगा 22 नवंबर को आएगा, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 28 नवंबर तक, तो उसके बाद अगर आप 28 नवंबर के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको सिर्फ मिलते हैं 20 से 25 दिन, लेकिन अगर आज ही से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखते हैं तो आपको मिल सकता है करीब करीब 30 दिन यानी कि 1 महीना। तो आप जो स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्ट हैं तो अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, कंटिन्यू रखिए, अपना ट्रेड सब्जेक्ट और जो पार्ट ए है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग GS GK और मैथ रीजनिंग वो ऑलरेडी पढ़ते रहिए, क्योंकि ज़्यादातर उम्मीद ये है कि 99.9% जो स्टूडेंट सिलेक्ट हैं वो बाहर नहीं होंगे, और जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं बाउंड्री मार्क्स वाले स्टूडेंट वो नए इंक्लूड कर लिए जाएंगे इसमें। तो ये था ओरल न्यूज़ जो कि आपको मैंने बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बाद साथ भी शेयर कर दीजिए जो RRB CBT 1 रिजल्ट में पास हैं या नहीं भी पास हैं, क्योंकि ये दोनों स्टूडेंट के लिए है जो पास हैं या नहीं पास हैं। तो दूसरी बात, अगर इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको एक नीचे रेड बटन दिख रहा होगा उस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि RRB बोर्ड की आपको पल पल अपडेट मिलती रहे, क्योंकि जब से रिजल्ट आया डेली एक ना एक नया नोटिस RRB निकाल रहा है। तो ये था पूरा वीडियो, अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम, और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं वो सिलेक्ट रहेंगे।